हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जेके फिजिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए, हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं। कहिएगा सर, आपका सभी क्वेश्चन प्यारा होता है। तो बिल्कुल बच्चों, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आपसे कहता क्या है, टू वेक्टर बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। तो मान लो कि यहाँ पे दो वेक्टर है, ऐसे ए और बी दो वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो कह सकते हैं क्या, मोड ऑफ ए बराबर मोड ऑफ बी कितना होगा, किसी को बोलते हैं ए बराबर बी, ऐसे लिख देते हैं। फिर क्या कहा, देखो ध्यान से आगे पढ़ो, देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर। वेक्टर ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा ना, वह भी ए या बी के बराबर है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि इसका रिजल्टेंट कितना है, आर वेक्टर है, तो इसका मोड मतलब कि आर बराबर ए होगा और बराबर बी। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए या बी के बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर हो गया। अच्छा, आपने क्या पढ़ा था, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ा था ना जी। ऐसे लिखेंगे, वी नो, हम लोग जानते हैं आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या होता है बच्चों, थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है। चलो आर का वैल्यू रख दो, तीनों बराबर है तो कुछ नाम दे दो इसको। तीनों बराबर तो मान लेते हैं बच्चों x के बराबर है। अब सबके जगह पे जहां जहां a b r है वहां पे x रख दो, यहां पे चलाएगा x का स्क्वायर, इसको उधर कर दिए, ये भी हो जाएगा बच्चों x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू कितना cos थीटा। a के जगह पे x रख दिए, b के जगह पे x रख दिए, r के जगह पे भी x रख दिए और इतना चलाएगा। देखो एगो एक्स से एक एक्स कैंसिल कर सकते हो, नहीं करोगे चलो मत करो, कोई बात नहीं है। एक्स एक्स कितना, टू एक्स, यहां पे कर दिए टू एक्स स्क्वायर। अब प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों, टू एक्स स्क्वायर, यहां से कितना कॉस थीटा, यह आ गया एक्स स्क्वायर। यहां से टू एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो तो आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहां से टू एक्स स्क्वायर, वन माइनस कितना कॉस थीटा प्लस आएगा, सॉरी बच्चा ये प्लस आएगा, इसको लाके तो डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर बट्टा टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर तो वन प्लस कितना आएगा यहाँ कॉस थीटा। भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मर गया, वन इधर आएगा तो वन बट्टा टू माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस थीटा। भाई वन बट्टा टू बचेगा बाबू, यह चलाएगा वन बट्टा टू माइनस में इक्वल टू कॉस थीटा। अच्छा, आपने पढ़ा था कि कॉस थीटा का वैल्यू माइनस में वन बट्टा टू कब होता है, तो 120 डिग्री पे, तो कहेंगे ये पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा कॉस 120 इक्वल टू कितना कॉस थीटा। थीटा इक्वल तो कितना बहुआ 120 डिग्री। अब से याद रखिए कि दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर ए बराबर बी है, दोनों आपस में बराबर है और दोनों के बीच में एंगल कितना का बने 120 डिग्री का, तो इसका रिजल्टेंट भी क्या होगा ए और बी के बराबर होगा। ऐसे